वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जैन म्यूनिटी। आज हम बताएँ कैसे आप काई माचे से रेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो ये हम सबसे पहले काई माचे इंस्टॉल करेंगे, रिमाइंड प्लेट क्लिक करेंगे, यहाँ से आप प्रोजेक्ट करेंगे। यहाँ से आप कोई भी टाइटल कोई भी नाम सकते हैं, मेरे कुछ भी नाम सकते हो। फिर यहाँ से आपको फाइल चूज करनी, चाहे वो इमेज फाइल हो या वीडियो फाइल हो, यहाँ से आप क्लिक करके चूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं सपोज दो पिक्स लेता हूँ, आप वीडियो भी ले सकते हैं, पिक्स भी ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो। तो मैं यहाँ से मैं नेक्स्ट 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 करूँगा। ये देखिए मुझे अभी कोई साउंड चाहिए फिलहाल, मैं इसके बाद देखिए अभी मेरी दो इमेज इंस्टार्ट हो गई हैं, आप देख सकते हैं। देखिए अब मैं अगर सपोज मैं टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं जो है लेयर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, यहाँ टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा। जो भी मेरे टेक्स्ट लिखना है वो मैं लिख सकता हूँ रेंडमली, कुछ भी जो भी मेरा मन हो। इसको मैं यहाँ से बड़ा भी कर सकता हूँ, खींच के बड़ा करने के बाद इसमें आप चाहें तो कुछ एडिटिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि एनिमेशन लगा सकते हैं, थोड़ा उसका इसमें अलग डिज़ाइन लगा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जो है इसको और भी एनिमेशन देना, तो आप देख सकते हैं इसमें कितने सारे ऑप्शन हैं। यहाँ से आप इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, सपोज मुझे फॉन्ट चाहिए, मैं यहाँ से आप जाकर कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप उस कॉर्नर में एक वाइट डॉट दिख रहा होगा, और यहाँ से आप कलर चेंजेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो और भी सारे ऑप्शन से आप चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं सिर्फ मेन मेन ऑप्शन बताऊंगा, जिससे कि आप वीडियो एडिटिंग करना सीख जाएं। ये देखिए यहाँ से बैकग्राउंड चेंज हो सकता है, और ये देखिए और भी सारी चीज़ें, यहाँ से आप जाइए, सारे आपको ऑप्शन दिखेंगे। जैसे आप लेयर्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप कुछ भी लिख सकते हैं, सपोज पेंसिल सेट किए हैं, यहाँ से कुछ भी जो भी मेरा मन हो पेंसिल का यूज़ कर सकता हूँ। देखिए यहाँ से मैं कुछ भी इसमें चाहूँ तो मैं यहाँ से कोई साउंड भी ऐड कर सकता हूँ अलग से। देखिए स्टार्ट हो रहा है, मैंने साउंड स्टॉप कर दिया है। तो ये सब ऐसा एडिटिंग है, और क्लिक ग्राफिक्स में भी है, इसमें कलर फिल्टर है, और जो है इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन मैं आपको आगे बताऊँगा। ये देखिए यहाँ से आप साउंड को भी इंक्रीज कर सकते हैं, जो उसके ओरिजिनल साउंड कम करके साउंड को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये कलर फिल्टर है, कलर फिल्टर में जाके आप कोई फिल्टर सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको टिक भी मन हो आपको, इतने सारे फिल्टर हैं इसमें करिए। उसके बाद जो है आपको और भी बहुत सारे, और वीडियो सेलेक्ट करनी हो तो आप यहाँ से जाकर सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए और यहाँ से आप कोई साउंड जो भी आपको डालना है वो साउंड भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई म्यूजिक आपको बैकग्राउंड में डालनी है, कुछ करना है तो आप यहाँ से जाके सीधे डायरेक्ट जाकर यहाँ क्लिक करिए, प्लस वाला ऑप्शन क्लिक करिए, ये साउंड आ गया। और आप चाहते हैं कि साउंड की फ्रिक्वेंसी कम कर सकते हैं, वो भी हो जाती है। देखिए अभी यहाँ पे इसकी मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा थीम आए साउंड, देखिए यहाँ से मैं डिक्रीज कर दूँगा। देखिए बैकग्राउंड थोड़ा स्लो आएगी, हल्की हल्की आएगी बैकग्राउंड में वॉइस, तो ऑप्शन है। और इफेक्ट्स में जाके आप जहाँ पे भी चाहते हैं उस जगह पे आप ब्लर भी कर सकते हैं, ताकि आपको वो पर्टिकुलर पोर्शन को देखना पाए, ये देख सकते हैं आप। इस तरीके से यहाँ से आप थोड़ा सा शॉर्ट भी कर सकते हैं, देखिए आपको दिख रही होगी पूरी तरीके से। और यहाँ से जब आपका ये पूरा प्रोजेक्ट बन जाए, तो आप यहाँ से जाके इसको शेयर कर सकते हैं, इसको हाई पे सेट करिए और एक्सपोर्ट क्लिक कर दीजिए, कंटिन्यू विद बटन मार कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास इसका पेड वर्जन नहीं है, इसलिए मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ। एक्सपोर्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, एक्सपोर्ट हो रहा है मेरा प्रोजेक्ट, थोड़ी देर हम लोग वेट करेंगे। एक्सपोर्ट होने के बाद कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि एक्सपोर्ट हुआ प्रोजेक्ट आया कहाँ पे है। तो आप सबसे पहले कट करिए, माई फाइल्स में जाइए, माई फाइल्स में काई माचे नाम का फोल्डर होगा, आपको वहाँ पे जाना है। ये देखिए यहाँ पे आप जाइए, एक्सपोर्ट में आइए, ये देखिए आपकी जो भी फाइल है, यहाँ पे आपको मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। देखिए आपकी फाइल तैयार हुई, अब आप इसे अपलोड कर सकते हैं इजिली कहीं पर भी। अगर कोई वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड बाय।